बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इंफॉर्मेशन। हियर साकिब खान। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किसी भी लैंड ड्रिलिंग रिग पे जो BOP अलार्म डिवाइस होती है उसके मेन फीचर्स कौन कौन से होंगे और उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या होंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लैंड ड्रिलिंग रिग होते हैं उन पर जो BOP अलार्म डिवाइस होती है उसके हम मेन फीचर्स को देखेंगे। This device can be equipped with alarm device when following case occur, give lamps or sound alarm including a electric cable connecting to the control system and drilling cable, control system and auxiliary panel. Actually ये जो आपके पास कॉमन यूनिट होता है उसमें एक डिवाइस लगी होती है जो पे डिफरेंट अगर कोई केस अकर होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक पम्प वगैरह रन होता है या कोई आप BOP वगैरह ओपन क्लोज करते हैं, उसमें जो डिफरेंट लैम्प होती है उनको आप ओपन क्लोज करते हैं तो उसमें ये एक अलार्म आपको देती है। ड्रिल कंट्रोल रूम होता है उसमें आपके पास जो BOP कंट्रोल पैनल पड़ा होता है उसको और ये जो आपके पास मेन डिवाइस होती है ये डिफरेंट पैनल को आपस में कनेक्ट करती है थ्रू अ केबल। रिमोट कंट्रोल सिस्टम एंड ड्रिल पैनल एक्सिलरी पैनल आर ऑल इक्विप्ड विद 4 एक्सप्लोजन प्रूफ इंडिकेशन लैम्प फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। आपके पास जो BOP में रिमोट कंट्रोल पैनल होता है और जो आपके पास ड्रिलर पैनल होगा एंड एक्सिलरी पैनल, उसमें आपके पास 4 तरह की एक्सप्लोजन प्रूफ इंडिकेशन लैंप्स होंगे जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लो एक्यूमुलेटर प्रेशर। आपके पास जो कॉमन यूनिट होता है उसमें जब भी लो एक्यूमुलेटर प्रेशर आ जाता है तो आपके पास एक येलो कलर की लाइट ऑन होगी और आप साथ ही एक आपको जो साउंड अलार्म है वो सुनाई देगा। द सेकेंड वन इज़ लो एयर प्रेशर। और जब भी आपके पास BOP से रिलेटेड लो एयर प्रेशर अकर होगा तो उस सूरत में भी आपके पास येलो लाइट ऑन होगी विद साउंड अलार्म। द थर्ड वन इज़ लो फ्लूड प्रेशर। और लो फ्लूड प्रेशर के केस में भी आपके पास येलो लाइट ऑन होगी विद साउंड अलार्म। और जब आपके पास इलेक्ट्रिक पम्प रनिंग कंडीशन में होगा तो आपके पास ग्रीन लाइट ऑन होगी जिसमें अलार्म वगैरह नहीं होगा। अब इधर इस स्लाइड में हमने जो BOP अलार्म डिवाइस होती है उसके मेन फीचर्स को देखा है कि किन सूरत में ये कौन सी लाइट्स ऑन होती हैं और कौन कौन से अलार्म बजते हैं। अभी हम इनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह को देखेंगे। जब हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल। आपके पास इस डिवाइस के थ्रू कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल हो रहे होते हैं और कितने होते हैं, ये यहाँ पर टोटल 8 है। टोटल कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर सेट, एक्यूमुलेटर की जो टोटल कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 80 लीटर × 16। अफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ ऑयल टैंक, और आपके पास जो ऑयल टैंक का टोटल वॉल्यूम होगा वो 1600 लीटर होगा। फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पम्प 40 लीटर/मिनट एंड एयर और फ्लूड रेशियो ऑफ एयर ऑपरेटेड पम्प 50:1। नंबर ऑफ एयर ऑपरेटेड पम्प्स, आपके पास जो टोटल पम्प्स होते हैं वो 2 होंगे एंड मोटर पावर 18.5 किलोवाट। और ये जो पम्प्स होते हैं आपके पास 2, इनमें जो मोटर्स इंस्टॉल होती हैं हर मोटर की जो कैपेसिटी होगी वो 18.5 किलोवाट होगी। अब इधर इस वीडियो में हमने जो BOP से रिलेटेड अलार्म डिवाइस है उसकी जो मेन स्पेसिफिकेशन है उनको डिस्कस किया है। और अगर आपका BOP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द उसका आंसर दिया जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को भी लाइक कर दें। हमारे फेसबुक पेज ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड हमारे यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे चैनल पर नई वीडियोज़ अपलोड हो वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।